आज हम बात करेंगे डीजो वॉच आर की फिर से, यानी कि यार एक बार और मैं आ चुका हूँ इसकी रिव्यू वीडियो के साथ, क्योंकि यहाँ पे दोबारा लॉन्च हुई है, ये रीलॉन्च हुई है 16 मार्च को। तो मैंने भी सोचा यार खरीदी जाए और जो जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व हो गई है या नहीं हुई है, तो सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। इस वॉच को लेने से पहले ये वीडियो ज़रूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। हे एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज अर्शद, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिन लोगों को इस वॉच के बारे में नहीं पता है बिल्कुल भी, तो उनको मैं थोड़ी सी की हाइलाइट्स दे देता हूँ। आपको 1.3 इंच की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा शार्प डिस्प्ले देखने को मिल जाती है और काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले है यार। आउटडोर में मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है और आउटडोर में भी आपको अच्छी खासी ब्राइटनेस, अच्छी खासी शार्पनेस मिल जाती है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। वही बात करूँ मैं कस्टम वॉच फेसेस की, तो यहाँ पे भी आप कस्टम वॉच फेस लगा सकते हो डीजो वॉच 2 की तरह, और एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से जो कलर एक्यूरेसी है वो बहुत तगड़ी देखने को मिल जाएगी। तो इन्होंने डिस्प्ले को ही काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया है, यहाँ पे भी ये मार्केटिंग कर रहे हैं, डिस्प्ले की ही मार्केटिंग कर रहे हैं ये, तो हाँ डिस्प्ले अच्छी बनाई है इन्होंने, नो डाउट। और कंपैरिजन की बात रही तो वो हम लाएंगे जो इसके कॉम्पिटिटर्स हैं उसके साथ, तो इसके लिए भी स्टे ट्यून्ड, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार, फैब के एंड तक 20K कराने हैं तो जल्दी से कर लो। बात करूँ इसके मैं AOD डिस्प्ले की, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, आप एक एनालॉग लगा सकते हो जो कि ठीक ठाक ब्राइटनेस मिल जाती है उसमें, दूसरा है डिजिटल, तो डिजिटल में थोड़ी ज़्यादा ब्राइटनेस मिलती है एनालॉग के मुकाबले, तो यहाँ पे दो AOD आपको दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, 110 स्पोर्ट्स मोड के साथ आती है वॉच जो कि काफी ज्यादा होती है। हेल्थ फीचर की बात करूं तो इस वॉच में आपको SpO2, हार्ट रेट, स्लीप मॉनिटरिंग और साथ ही साथ मेडिटेशन का ऑप्शन मिल जाता है। बेसिक फीचर्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और वेदर का सपोर्ट भी मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पे आपको फीमेल हेल्थ ट्रैकर भी देखने को मिल जाता है जो कि काफी सही चीज लगी। इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे फाइंड माई फोन का ऑप्शन। वाटर रेजिस्टेंट की बात करूँ तो यार यहाँ पे आपको 5 ATM देखने को मिल जाता है जो कि इस प्राइस रेंज में कोई सी भी वॉच नहीं है एमोलेड डिस्प्ले के साथ। सबसे पहले यहाँ पे मैं हेल्थ ट्रैकर्स की बात करना चाहूँगा। इस वॉच को मैं जब से चेक कर रहा हूँ, जब से मेरे पास आई है, और यहाँ पे हेल्थ ट्रैकर्स में काफ़ी कमाल का बदलाव देखने को मिला है, यानी कि बहुत अच्छी तरीके से अब इसके सेंसर्स वर्क कर रहे हैं। हार्ट रेट यहाँ पे मैंने कई बार इसका चेक किया है और आप भी शॉक्ड हो जाएंगे, मैं भी शॉक्ड हुआ था यार, जितनी बार भी मैं चेक कर रहा हूँ 95% एक्यूरेसी मिल रही है, कभी कभी तो फुल्ली 100% एक्यूरेसी मिल जाती है। अभी भी आप लोग जैसा कि देख पा रहे हो सेम रीडिंग जो ऑक्सीमीटर में आ रही है वही स्मार्ट वॉच में भी आ रही है। बात करूँ SpO2 की तो यहाँ पे भी काफ़ी कमाल का काम कर रही है ये स्मार्ट वॉच। अभी से पहले जब ये पहली बार आई थी इतनी अच्छी तरीके से मेजर नहीं कर पा रही थी SpO2, बट अब ना यहाँ पे आपको 100% एक्यूरेसी मिल जाती है कभी कभी, बाकी तो आप लोगों को पता है यार वॉचेस पे इतना ज़्यादा डिपेंड नहीं होना है, बट फिर भी ये स्मार्ट वॉच आपको काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी प्रोवाइड कर रही है SpO2 में भी। बात करते हैं भी फिटनेस ट्रैकर्स की, तो यहाँ पे भी यार मैंने काफ़ी देर इसी स्मार्ट वॉच को वॉक किया, जैसा कि आप लोगों को पता है अच्छे से चेक करता ही हूँ मैं, तो एट दी एंड जो रिज़ल्ट आया है 12-13 मिनट यहाँ पे वॉक करने के बाद, वो भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट आया यार, 800 समथिंग स्टेप चलाऊँ, कैलरीज कितनी बर्न हुई है वो भी आप लोग देख सकते हो, कितने किलोमीटर चलाऊँ ये भी देख सकते हो, एवरेज हार्ट रेट, मिनिमम हार्ट रेट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और यहाँ पे मैं स्पोर्ट्स मोड में भी कह सकता हूँ 90% एक्यूरेसी ये वॉच अभी आपको दे रही है। यार चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, मार्च के अंत तक 20K सब्सक्राइबर्स कराने हैं, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी जल्दी करवा दोगे उतना बढ़िया है, तो करो यार सब्सक्राइब, और लाइक किए बिना मत जाना यार, वीडियो अच्छी लगे तो भूल जाते हो आप लोग असल में, इसलिए मुझे याद दिलाना पड़ता है, और लाइक से एल्गोरिथम पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो लाइक कर देना यार। अभी ये बात करते हैं कि जो भी इसमें इशूज थे जो मैंने पहले भी पॉइंट आउट किए थे वो सब रिजॉल्व हुए हैं या नहीं हुए, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बैटरी बैकअप की बात करूँगा, तो बैटरी बैकअप में भी काफ़ी कमाल का चेंज देखने को मिला है यार। मैं इस स्मार्ट वॉच को काफ़ी देर से यूज़ कर रहा हूँ और जब मेरे पास ये वॉच आई थी तब भी 100% नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी पूरे दिन यूज़ किया मैंने इस स्मार्ट वॉच को ताकि आप लोगों को सही से बता पाऊँ, तो यहाँ पर ड्रेनिंग इशू है वो भी ख़त्म हो चुकी है ये कह सकता हूँ मैं। हाँ बाकी आपको बैटरी बैकअप की बात करूं तो 5 से 6 दिन का बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के साथ भी। बाकी आप यहाँ पे 24x7 हार्ट रेट ऑन रखते हो, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रखते हो, ब्राइटनेस भी बहुत ज़्यादा रखते हो, तब तो ये आपको 3 से 4 दिन का ही बैटरी बैकअप देगी, तो ओवरऑल फिर भी काफ़ी अच्छा काम किया, पहले तो 10% 20% करके भी बैटरी ड्रेन हो रही थी। सेकेंड चीज़ है जो कि है स्क्रीन ब्लैक आउट, यानी कि यार डिस्प्ले इसकी बार बार ना अजीब सी ब्लैक आउट हो जाती थी, बंद हो जाती थी कई बार, तो वो इशू भी अब मैं फेस नहीं कर रहा
रहा हूँ इस स्मार्ट वॉच के साथ, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी है मुझे यहाँ पे। ये भी रिस्ट वेकअप भी अब बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही है, जितनी बार भी आप हैंड शेक करते हो नैनो सेकंड में ही वॉच वेकअप हो जाती है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, पहले थोड़ा सा टाइम लगता था यहाँ पे। इसके अलावा एप्लीकेशन से सिंक भी अब बहुत आसानी से हो रही है, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, और हार्ट रेट वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो वॉच में वो आपको ऐप में भी देखने को मिल जाएगा, तो काफ़ी सही चीज़ लगी। आप स्पोर्ट्स मोड को भी ऐप में चेक कर सकते हो, तो आप यहाँ पर सिंक्रोनाइजेशन में भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और सबसे सही चीज़ यार, स्लीप ट्रैकिंग अब बहुत अच्छी तरीके से कर रही है ये स्मार्ट वॉच। मैं पहनकर सोया था ताकि आप लोगों को बता पाऊँ, वॉच के साथ साथ आप अपनी स्लीप ट्रैकिंग को एप्लीकेशन में भी चेकआउट कर सकते हो, और वहाँ पे भी आपको काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल्स मिल जाती है, आपकी डीप स्लीपिंग, लाइट स्लीपिंग सारी चीज़ें बता देगी ये वॉच। देखो यार, अभी इतनी सारी चीज़ें सॉर्ट आउट तो कर दी हैं, बट फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो इस वॉच के अंदर कौन से जो कि अभी तक है। सबसे पहली चीज़ ये है कि यार, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले की यहाँ पे ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिलती है, धूप में अगर आप चेक करोगे तो आपको कुछ भी विजिबल नहीं होगा, नॉर्मल सनलाइट में आपको टाइम दिख जाएगा बट फिर भी इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं मिलती है। सेकेंड जो कौन है इसका, वो है कस्टम वॉच फेस, जब आप लगाते हो तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है अगर आप एप्लीकेशन के थ्रू लगाते हो, मुझे नहीं पता इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगाती है, और भी स्मार्ट वॉचेज हैं उन पर अगर मैं कस्टम वॉच फेस लगाता तो बहुत जल्दी लग जाती है, बट इसमें पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तीसरा कौन जो लगा मुझे यार, वॉच यूआई इसका थोड़ा सा लैगी है अभी भी, मुझे नहीं पता यार ये मेरी वॉच में ही आप लोगों के साथ भी ऐसा होगा, लेकिन यहाँ पे लैग तो कर रही है इसकी वॉच यूआई, इतनी ज्यादा स्मूथ नहीं चल रही है। और जो फोर्थ कौन है यार, वो है सॉफ्ट सर्फेस पे आपको रीडिंग मिल जाती है, हार्ड सर्फेस पे कोई भी रीडिंग नहीं मिलेगी, बट आप स्ट्रैप्स वगैरह पे या फिर आप कुशन पे चेक करोगे तो ये वॉच आपको रीडिंग अभी भी दे देती है, तो ये दिक्कत अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है। अब नेक्स्ट अपडेट में शायद हो, पता नहीं, लेकिन अभी तो ये रीडिंग दे रही है। बात करते हैं कॉन्क्लूजन की कि आपको ये स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो यार देखो, अभी ये 3500 रुपीज़ की मिल रही है, यानी कि 3500 to 3600 में मिल जाएगी, बात का कुछ पता नहीं है, कभी 4000 रुपये कर दें तो इस टाइम ये बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, अगर आप इसके 3-4 कॉन्स पे ज़्यादा ध्यान ना देते हो, बाकी जो अच्छी चीज़ें उस पर भी ध्यान दोगे तो ये वॉच आपको अभी भी बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगेगी, तो डेफिनेटली इस वॉच को चेकआउट कर सकते हो। बाकी और भी चीज़ें अगर अपडेट वगैरह आएंगी तो मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बता दूंगा। तो बस यही थी यार आज की वीडियो, करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करके जाना यार, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।